मंडी शहर के साथ लगते वृंदावनी में ब्यास नदी में एक जानवर मरा पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार आईपीएच विभाग के पंप हाउस के पास ये जानवर बीते 4-5 दिनों से पानी में पड़ा है। इससे मंडी शहर के लोग और आसपास की पंचायतों के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि विभाग और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ जारी है। बता दें कि पूरा मंडी शहर ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर ब्यास नदी से पानी को अपलिफ्ट कर लोगों को दिया जाता है और यह जानवर जहाँ पर मरा हुआ है वहाँ भी एक पंप हाउस है जहाँ से तुद्दर भरौण और मझभाड़ पंचायतों के लगभग 7,000 लोगों को पानी की सप्लाई दी जाती है। नदी में जहाँ जानवर है वहाँ से आगे शहर के पास भी दो पंप हाउस है जिनमें से एक औद्योगिक क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करता है तो दूसरे से मंडी शहर के लोगों को पानी दिया जाता है जो कि ब्यास नदी से ही अपलिफ्ट किया जाता है। ऐसे में नदी में जानवर के 4-5 दिनों पहले मरने से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और विभाग और प्रशासन इस दिशा में मूक दर्शक बना हुआ है। ये तो पता नहीं शायद गाय लगती है, मेरे को शायद बैल भी हो सकता है, तो इसको 3-4 दिन हो गए पानी में गिरे हुए, तो यहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है। पूरा मंडी शहर पानी पीता है यहाँ का, दुद्दर भरौण तक के जो वृंदावन का पंप हाउस है इसके सामने गिरी हुई है, तो ये लिफ्ट पानी बहुत गांव में भी जाता है, पूरा शहर पीता है इस पानी को। आज 3-4 दिन हो गए इसको गिरे हुए यहाँ पे, तो प्रशासन इसका कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ इनकी यही पड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।